नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। SSC GD कांस्टेबल का 26 फरवरी की 2024 की थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो विधान परिषद आता है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169। अगला है, उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुबर दास। कौन हो जाएंगे? रघुबर दास। अगला है, सुंग वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने। अगला है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताओ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, PMGSY का जो विस्तारित रूप है वो बताओ, मतलब PMGSY का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगला है, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शहनाई, शहनाई। अगला है, 2023 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम का नाम बताओ? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अरुणा मिश्रा जो हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित हैं अरुणा मिश्रा, मुक्केबाजी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में किस चीज़ का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वेद महामंदिर। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले कार्यकाल बता देते हैं, तो 1951 से 1956। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा, यह हारोड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका उद्देश्य क्या था? योजना कृषि, मूल स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित था इसका उद्देश्य। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के आधार पर जो साक्षरता दर है वो क्या है? तो देखिए, भारत की साक्षरता दर हो जाएगी 2011 के जनगणना के आधार पर 74.04%, जिसमें अगर पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाती है तो वो हो जाएगा 82.14%, और महिलाओं की अगर पूछी जाती है तो वो हो जाएगी 65.46%। ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आज मिले हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, अब कुछ आपको नृत्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नृत्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, वही दो तीन नृत्य आपके घूम फिर के आ रहे हैं, जैसे कि गिद्दा। गिद्दा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब का। और गरबा और डांडिया, गरबा कमा डांडिया, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात का। अब राउफ भी आ सकता है आने वाले शिफ्टों में, तो राउफ कहाँ का हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का। और एक पूछा जाता है मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य जो है वो कहाँ का है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। ओके, और बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नृत्य से रिलेटेड मैं एक अच्छा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे नृत्य कवर करवा दूंगा।
और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।